स्वामी जी फैट हार्मोन्स की भी बात कर लेते हैं। बॉडी का फैट हार्मोन जो है, बॉडी का फैट हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाता है। पीसीओडी पीसीओएस जैसी परेशानियां भी वजन अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से पहले तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और फिर उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आप खुद कहते हैं योग और आयुर्वेद क्योर करने की बात करता है, केवल कंट्रोल करने की बात नहीं करता। तो क्योर क्या है? कंट्रोल नहीं, हम क्योर करते हैं। हम सिम्टोमेटिक सिस्टमिक एक साथ इंटीग्रेटेड उपचार करते हैं और व्याधियों से मुक्त करके समाधि से समाधान से जोड़ते हैं। मुंडूकासन योग मुद्रासन जो ऐसे इतना ना कर पाएँ कोई बात नहीं, और बेटियों की तरह कठिन कठिन आसन भी ना कर पाएँ इधर बेटों की तरह, तो सहज योग करके ही। और देखो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए तो चलो सब बच्चे शीर्षासन करो। हाँ, बेटियों ने भी बड़े कठिन कठिन आसन कर लिए, सब शीर्षासन करो बेटियों, सुबह उठ करके शीर्षासन करना, फिर सर्वांगासन करेंगे बच्चे, और फिर देखो सुबह उठ करके शंखनाद करना। ये योग का, ये आयुर्वेद का, ये सनातन का, ये स्वास्थ्य का, सुख शांति का, समृद्धि का शंखनाद है। ये शंखनाद है अष्ट सिद्धि नवनिधि का, जो रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होती है ना हमें, तो ऐसी शंखनाद घर में सुबह सुबह किया करें। शंखनाद किया करें, शीर्षासन जैसे कितना प्यारा कर रही है सब बेटियां, ऐसे शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, ऐसे पैर धीरे धीरे उठाएं और सर्वांगासन, ये शीर्षासन, ये हनासन जो करेंगे, सुबह एक चम्मच गाय का घृत पान करेंगे, और यदि ब्राह्मी घृत पी ले तो और अच्छा है, आंखों के लिए महातृष्णा घृत, इनफर्टिलिटी के लिए फल घृत, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मेधावटी मेमोरी ओमेगा ले लिया, और देखो गाय के घी से हवन कर लिया, या गाय के घी का दीपक ही जला के रखे नवरात्र में। हाँ, शुद्ध घी हमने उपलब्ध इसलिए करवाना पड़ा, पहले तो एक भैंस का घी यूज़ कर रहे थे, मेरे से बोले जी भैंस के घी का दिया जलाएंगे हवन करेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा महिषासुर पैदा होगा, और गाय का घी का दिया जलाने से मैंने कहा महिषासुर मर्दनी प्रकट होगी, तो गाय के घी का दिया जला ले, गाय के घी से हवन कर लें। और ये योग यजन हवन भजन कितना दिव्य वातावरण इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश में सुबह सुबह बन जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस का तो प्रश्न ही नहीं, अपने चित्त को प्रशांत रखे, मन को भ्रमाए नहीं, इधर उधर भटकाए नहीं, ऐसे जितना सहजता से जितना बन पाए उतना ऐसे योग करें, और अपना चित्त सदा दिव्यता में लगाए रखें, दैवी भावों से अपने आप को सदा जोड़ करके रखेंगे, तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रश्न ही नहीं। यहाँ जिनको पीसीओडी हो जाता है उनको फिर सिस्टोग्रिड दे देते हैं, कासन और गुग्गुल वृद्धि बाधिका बटी देते हैं, खाली पेट सुबह सुबह हल्दी एलोवेरा गिलोय तुलसी, एलोवेरा हल्दी गिलोय तुलसी, ये इसमें लौकी के जूस में मिला करके और पिला देना, कपाल भाती पूरा करवा देना, प्रश्न ही नहीं फिर कि कहीं पीसीओडी रह जाए जी। तो ये चाहे पॉलीसिस्टिक ओवरी, चाहे पॉलीसिस्टिक किडनी, जैसे शरीर में कहीं पर भी गांठें जो आड़ कबाड़ अंदर इकट्ठा होता है स्वामी जी, और ये फूड माफिया फिर ड्रग माफियाओं की लूट के कुचक्कर में फंसते, इससे हम बचाते ज्योत्सना जी, अंतर ज्योति जल जाती है योग से।